तो भैया यहाँ पे महल और मंदिर देखने के बाद अभी हम निकल चुके हैं बैंकवा नदी के किनारे। तो यहाँ पे शायद बारह बारह टाइप की कुछ लग रही है, काफी भीड़ है। ये देखो घोड़ी नाच रही है, घोड़ी। ओरछा नगरी के अगले स्पॉट पे आ गए हैं हम, जो कि नदी के किनारे बना हुआ है, बैतवा नदी के एकदम किनारे पर। ये महल और ये मंदिर जो भी है वो आने के बाद पता चलेगा। और गाड़ी खड़ी करके हम पैदल पैदल आ गए हैं और यहाँ पे बड़े सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। काफ़ी लोग आए हैं, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। ये है मंदिर और यहाँ पे तो ऊँट भी हैं, ऊँट की सवारी चल रही। और यहाँ पे देखो बैतवा नदी नर्मदा जी से दिख रही है। हाँ वो भाई आ गए घाट पे। पानी यूज करना और बहुत ऊपर तक बाला गई तक इंजन बिगड़ जाए होता ही है ऐसे में। तो भैया अभी आ गए हैं सुंदर से मंदिरों के कैंपस में, जहाँ पे गार्डन भी है और चार मंदिरों का समूह है। चतुर्भुज मंदिर शायद इसी को कहते हैं, नहीं चतुर्भुज में तो गए थे अपन। अच्छा तो ये क्या है, एक दो तीन चार, एक से मंदिर हैं चार, एक ये और दो ये, और ये गार्डन बना हुआ शानदार सा। वैसे एक ये भी है, पाँच सेम टू सेम, ये अलग है थोड़ा। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गार्डन को, बहुत ही सुंदर। और ये उसी समय के निर्मित हैं जिस समय का वो मंदिर है, क्या कहते हैं इनको, महाराजा जसवंत सिंह की छतरी, छतरी ऑफ महाराजा। 1665 से 1684 तक ओरछा के शासन किया था और मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने विश्व सम्मत 1740 से सन ईसा पूर्व ना 1663 में खिल्लत प्राप्त हुई और 1741 से में उनका निधन हो गया महारानी अमर कुंवारी द्वारा। सन 1684 में इस छतरी का निर्माण कराया गया था। परिसर में उत्तर पूर्व के कोने में स्थित यह छतरी तल योजना में वर्गाकार है। मध्य में सर्वोत्भद्र ग्रह एवं उसके चारों ओर आयताकार बरामदे हैं। इसमें तीन तीन मेहराबदार ग्वार हैं। उर्दू संरचना में छतरी त्रितलीय है,
द्वितलीय के बाह्य विन्यास नागर शैली के शिखर का जंगा भाग एवं चारों कोनों पर वर्गाकार कक्षों के ऊपर गुंबद की संरचना है। नागर शिखर और गुंबदों का अलंकरण पद्म कलश आले और मेहराबदार द्वारों का अंकन बुंदेली शैली का है। मध्य का नागर शिखर और चारों कोनों में गुंबद की संरचना पंचायतन शैली की है। तो भाई ये देख लो अंदर से कुछ ऐसी संरचना, वाह एक से हैं, बस सारी संरचना एक सी है। जैसे हम अभी आए एक दो द्वार, एक दो हर तरफ से बिल्कुल अभी सेंटर में खड़े हुए हैं, ऐसी संरचना है ये। यहाँ से जाएंगे तो नदी का मुहाना दिखने लगेगा। और ठीक इसी प्रकार की संरचना यहाँ पे, ये मंदिर नहीं है, ये बस ऐसे ही संरचना है, ये सुंदर सुंदर सी बुंदेली शैली की। ऐसे ही चारों ऐसे जैसे गोल भी घूम सकते हैं अपन इसके इन्हीं रास्तों से, ऐसे छुपम छुपैया खेलते कुछ ज्यादा ही खर्चा नहीं हो गया। लेकिन एक अच्छी चीज है उसमें, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुगलों के शासन में मंदिर का गुंबद दीजिए, ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज तो ये जो सामने है ना, ये और उसकी डिजाइन अलग है, वो बराबर दूरी पे है लगभग, और ये बीच वाले तीन घने हैं और दो दूर हैं ऐसी। ये वाली छतरी अलग है और वो वाली अलग है। हाँ ये सुजान सिंह की है, वो वाली क्या नाम था, जसवंत सिंह। ये सुजान सिंह, गोल गोल इसमें भी घूम सकते हो आप, और इसमें ऊपर चढ़ने की भी व्यवस्था है, अपन ऊपर भी चढ़ सकते हैं। देखो साफ सुथरा है, हाँ नहीं है छतरी है। इंद्रमणि निधन के कारण उनके छोटे भाई इंद्रमणि ओरछा की गद्दी पर बैठे। तो ये सुंदर सी जगह पे देखो कई सारे शूट भी चल रहे हैं, एक ये चल रहा है और एक ये सामने वाला इसमें गुंबद में चल रहा है, वो एक ड्रोन उड़ रहा है वहाँ पे, हीरोइन आएगी वो बार बार रीटेक पर रीटेक लिए जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे इसमें शूट चल रही हैं, तो वहाँ पे बहुत से एक्शन बोला उसने, फिर से ड्रोन आगे आ रहा है, इधर पे पीछे एक अलग शूट चल रहा है। ये तो प्री वेडिंग शूट लग रहा है, ये दूल्हा दुल्हन ये गया पीछे, अब ये फिर से आगे आएगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा, वहाँ से निकल के आएगा। अच्छा ये और इधर पिन पिनाने लगा एक और ड्रोन, ये आ गया है? दो है, अच्छा वो भाग गया ड्रोन नदी के ऊपर, और एक इधर पे ये शूटिंग चल रही है। तो मान गए प्री वेडिंग शूट चल रहा है। अच्छा प्री वेडिंग शूट चल रहा है, शादी के पहले वाला, और ये वाला कुछ और है, चल रहा है। अच्छा प्री वेडिंग ये दो जोड़े हैं मतलब। तो भाई साहब यहाँ पे इन छतरियों को देखने के बाद, नदी का किनारा देखने के बाद, यहाँ से निकल चुके हैं हम महल की तरफ, और यहाँ से पैदल चल चल के थक गए थे, तो अब हमने ले ली है एक ई रिक्शा जो हमें महल छोड़ देगी। अच्छा पानी की बोतल भी ली है जो हमने पी ली, ओके ये देखो, क्योंकि गाड़ी हमारी खड़ी है पार्किंग में, और यहाँ से भैया ने शॉर्टकट मार दिया, हम इधर से आए थे। उतार दो जैसा घंट चढ़ाव की वजह है। चलो भैया आ गए हैं हम महल के अंदर, चलो खाली करो, लाइट शो भी होता है, 10-10 रुपए निकालो सब। ये आ गया भैया देखो,
और ये है टिकट काउंटर का, लेकिन हमें टिकट नहीं लेना, हमने पहले ले लिया इकट्ठा ऑनलाइन, और अब सिर्फ हम जाएंगे अंदर घूमने के लिए। और ये दद्दू ने छोड़ दिया हमको लाइट वाले इस रिक्शा से। गेट के अंदर सुई लगी हुई है भयंकर नुकीली, हाथी लेके आते होंगे उनके लिए होगा ये। अभी आ गए भाई महल के अंदर, और यहाँ पे बंदर हैं, थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। ये देखो दीवाने आम ऑडियो गाइड, इसको स्कैन करो तो ये बोल के बताएगा। हाँ स्पीकर लगे, लाइट शो होता है यार यहाँ तो, है ना। ये देखो ये साउंड, तो भैया अचानक से घूमने को बना ये प्लान काफ़ी सफल होता दिखाई दे रहा है। हम दोपहर तक आ भी गए और बहुत सारा घूम भी लिया, भूख लग रही थी खाना भी खा लिया, और अब इस महल में आ गए। और ये रहा राजा के महल का रास्ता, इधर को तीर लगना है, ये ऊपर चलना है। यहाँ तो ऑफिस लिखा है, जहांगीर महल। अरे वो एक ही बात हो गई, 10 रुपये यहाँ पार्किंग लग जाते। हाँ सही बात है, उसमें वहाँ जाने के लिए टिकट, वहाँ टिकट लगेगा। देखो यार कितना सुंदर है, जैसा जयपुर में देखा था आमेर का किला, लगभग हूबहू वैसा ही है, बहुत ही सुंदर। तो आपको दिखाते हैं ये महल कैसा है अंदर से, ओरछा के राजा का महल, यहाँ से है प्रवेश। फिर हम पहुँचेंगे अंदर, ऐसे छोटे छोटे दरवाजे और ये सीढ़ियाँ। प्रवेश करते ही विवादी प्रकाशन और कुछ ऐसी लाइटें लगी हैं। वाह यार ये तो बहुत सुंदर है अंदर से, बिल्कुल वैसा ही है प्रमोद जैसे आमेर में देखा था। ऊपर देखने जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ है देखो पैसे पड़ो, तो खुलता थोड़ी होगा। अरे खुला होगा नहीं, जैसे भी फोन लगाइए संत भैया, जैसे भी लेके आओ, जैसे भी लेके आओ। 5 का भी है, 10 का भी है, जो असली जो थे ना मोर वगैरह मगर शेर हाथी वो असली है वहाँ, उसमें उनकी डमी बन गई है असली, उनमें लेप चढ़ा। तो कुछ ऐसा है ये महल। तो इस महल के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ से, एक उधर भी है रास्ता, इधर भी है। तो निकलने के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए, ये है ना अंदर, इधर अरे यहाँ से तो बाहर आ गए, यहाँ से तो बाहर आ गया यार। देखो इस पुराने ज़माने में रेलिंग ऐसी हो रही थी, ऐसा लग रहा टूट रही हुआ, तिरछी तिरछी हो रही, तिरछी लगाई होगा। अच्छा डिजाइन है, और ये पता नहीं क्या है। हरियाली जो दिख रही है, हाँ तो ये रास्ता जाएगा ना तो ये वहीं ले जाएगा अपने को, यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। ये देखो दोनों जगह गई ऊपर जाने को, और ये देखो खिड़की सेम आमेर, जो प्रमोद वैसी की वैसी जैसे आमेर के किले में थी ना, वही की वही गैलरी। हाँ और इसके आर पार देख लो आप, अपन बाप खड़े छज्जा पे। ये महल के अंदर घूमने के बाद बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जयपुर का आमेर फोर्ट, सेम टू सेम जो है स्थिति उस किले में थी जब हम वहाँ पे घूम रहे थे। ये वाली सीढ़ियाँ पकड़ के अपन ऊपर चलेंगे,
हाँ ये सीढ़ियाँ काफी खड़ी हैं। ये रहा सामने राजा राम का मंदिर जहाँ हम जाएंगे। दोस्तों ये जो सामने देख रहे हो ना, ये एक 5-स्टार होटल है। देखो आप, महल के अंदर ही होटल बनी हुई है। इस किले की एक खास बात बताऊं, ये जो दिख रहे हैं ये नाली नुमा, बारिश का पानी नीचे चल जाए उसके लिए देखो व्यवस्था दे रखी है। पानी देखो, बारिश में पानी आएगा ना तो इससे नीचे जाएगा, भरेगा नहीं इसके ऊपर। अपन वहाँ से ऊपर चढ़े थे, अपन ऊपर नहीं जा रहे थे, देखो वो लोग ऊपर पहुँच गए। वैसे यहाँ पे इस फ्लोर पे गनमन गनमन घुमा जा सकता है। चलते हैं ऐसे। नीचे डर लग रहा था यार। चलो अब यहाँ से ऐसे चलो 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 चलो, क्यों नहीं जा पाएंगे, रास्ता है। ये देखो यहाँ से आप जा सकते हैं, ऐसे झांकना हो तो ये खिड़की है, फिर सीधे जाओ। इतना बड़ा महल है, यहीं रात रुकेंगे ना, फैसले क्या लेना और क्या। ये पीछे तो गार्डन के तवड़िया देखना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पूरी सभ्यता यहीं पे है। नदी भी दिख रही है और नदी के पीछे जंगल भी दिख रहा है। यह है टीकमगढ़ पन्ना का जंगल, इसमें टाइगर भी है। सच में? अच्छा हाँ, इसमें हाँ, मजाक की बात नहीं है। हाँ पूरा पत्थर का बना है ये, पूरा का पूरा। हम ऐसा गोल गोल घूम के वहां से गए थे और वहीं वापस आ गए। ये बेडरूम है, क्या बात कर रहा है, लेट बात। नहीं नहीं, बहुत चारों तरफ से कहीं भी घूम के निकल जाओ। बहुत छोटे छोटे कमरे बनाए हैं लेकिन पूरे महल में, इस सुंदर से महल में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए मुख्य सीढ़ियाँ, वो एक मुख्य द्वार है, वो सीढ़ियाँ हैं। वहाँ से जाओगे ना बीच वाले गेट से, इस गेट से तो बाहर हो जाओगे, तो बाहर गार्डन वार्डन दिखेगा आपको। बगल में जो वो वाला द्वार है और ये दो सीढ़ियाँ हैं और यहाँ चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं और बीच में से भी एक एक सीढ़ियाँ हैं। मतलब ये दिख रहा हो वो जो गेट खुला हुआ है, ये एक, ये एक, ये और दो ऐसे यहाँ पे हैं और इसके नीचे भी हैं और ये सीढ़ियाँ हैं इस महल के ऊपर चढ़ने के लिए। और ये सब में ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं और इतना शानदार महल एकदम खुला। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। और ये है मेन रास्ता बाहर जाने का, ये भी सीढ़ियाँ हैं देखो इसके नीचे भी। और ये दरवाजे सब में बंद है, पता है क्या है ये, वो वाले भी उसमें भी तार लगा, एक दो इसमें भी लगा है और इधर भी लगा है। ये नीचे वाले रूम होंगे बड़े बड़े, हाँ ये मुख्य रूम होंगे। ये महल, उसके सामने ये होटल, इसका नाम है होटल शीश महल, इस होटल का नाम है। नहीं आए थे ना, यहाँ तक आए थे अपन, आए थे।
हाँ इसमें नहीं आए, ये नहीं, ये वो सही कह रहा है, यहाँ नहीं आए। टिकट लेने का फायदा तो हुआ महाराज, हो गया है ना, पैसे नहीं है। और ये उसी महल के सामने वाला महल देखो, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, बहुत ही खुला खुला महल में। यहाँ पानी भरा है और ये पता नहीं क्या दिया है, देखो गुफा है, सुरंग कहीं है ये। और ये देखो ये पानी को निकाली, दरबार की महिलाएं समारोह का आनंद लेती है। अच्छा ऐसा बोल रहा है ना, मैंने बार इसके हाँ। अच्छा अच्छा पानी निकलने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम है, क्या शानदार दिया है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा। यही तो है शौचालय, ये शौचालय हैं देख लो इनके, जाके देखते आओ। देखो ये कलाकृतियां बनी है इसके ऊपर, ये वाला स्कैन करो आप, तो यहाँ पे बोल के बताता है, इसको स्कैन करोगे ना, जेनाना कोर्टयार्ड ऑडियो आई। अब हम जनाना यानी महिलाओं के आंगन में, आंगन शाही परिवार की सभी महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 136 कमरे हैं, जिनमें से 36 नीचे और 100 कमरे ऊपर की तरफ हैं। उठे हुए प्लेटफॉर्म का उपयोग शाही महिलाओं और उनके परिचारकों के लिए त्योहारों के दौरान किया जाता था। तो भाई साहब इस वक्त हम इस महल के उस जगह पे हैं जहाँ पे रानी रहा करती थी। ये जो कमरा है पीछे, ये रानी का कमरा है, और ये जो खिड़की देख रहे हो ना, यहाँ पे बैठ के रानी भगवान राम के दर्शन किया करती थी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार रानी का ऐसा मानना था कि मुझे एक ऐसा भगवान राम का मंदिर बना के दो, इस खिड़की पे से बैठ के मुझे बिना नदी पार किए सीधे भगवान राम के दर्शन हो जाए। बिल्कुल सीध में ही राजा राम का मंदिर है, बिल्कुल सीध में, एक इंच का भी अंतर नहीं है, और यहाँ बैठे बैठे आप भगवान राम के दर्शन कर सकते हो सीधे सीधे। ये जो है ना बिल्कुल सीध में, वहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा है, हम जब गए थे ना फर्स्ट टाइम, वो एकदम सीध में अपन गए थे ना, बिल्कुल वहीं है। ये ऐसी कलाकारी की गई थी बताओ, और ये भव्य कमरा, और इसमें जो कलाकृतियाँ हैं वो भी सावन के महीने में जो व्रत वगैरह किया करती थी महिलाएँ उसको दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब जल लेके आती थी, तुलसा चढ़ाती थी, फिर वो नृत्य करती थी, लाइक वैसा सारे के सारे चित्र यहाँ पे छपे हुए हैं। इसी तरह से राजा का कमरा भी है, और मैंने ऊपर बताया रानी का महल था, नीचे राजा का महल था, और इधर पे बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, पानी ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, मतलब कमाल की कलाकृति थी। और जो उस समय के बुंदेला राजा थे, वो अपन ऊपर नहीं गए, उन पर भी नहीं गए, वो वहाँ पर पता नहीं कहाँ से जाते यार, एक तो रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। शौचालय टाइप की जगह बनी है इधर, हाँ उस तरफ भी सेम टू सेम है। चलो अरे आ जा यार, देखो कितना सुंदर दिख रहा है यार, बिल्कुल इसमें इतनी ठंडक है, बाहर गर्मी है इसमें ठंडक है। प्रमोद आ जा ना,